चैप्टर 9 लिख देता हूं। ये चैप्टर में अगर 90% ऑफ चैप्टर अगर समझना हो, 90% ऑफ दिस चैप्टर जो है इज ऑन थ्री मेन थिंग्स, क्या? स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉड्यूलस। ये तीन चीजें अगर समझ में आ जाए, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन एंड व्हाट इज मॉड्यूलस, तो 90% ऑफ दिस चैप्टर खत्म हो जाएगा। इवन थियरी भी खत्म हो जाएगी और न्यूमेरिकल्स भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये तीन चीजें ही आपको समझनी है, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन एंड व्हाट इज मॉड्यूलस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद स्ट्रेस। लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। इसका सिंबल है सिग्मा, इसका सिंबल है सिग्मा, इसे भी सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा क्या होता है? इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ये प्रेशर के जैसा फॉर्मूला है और कभी कभी उसको प्रेशर बोलते भी है, बट हर बार स्ट्रेस प्रेशर नहीं होता है। ठीक से, ऑल द स्ट्रेस आर नॉट प्रेशर, बट प्रेशर इज वन ऑफ द स्ट्रेस। तो ये सब मैंने क्या बोला वो बताता हूँ। जैसे मान लो जो स्ट्रेस है ना, एक्चुअली तीन टाइप के होते हैं। अभी पता चलेगा कि स्ट्रेस जो प्रेशर क्यों नहीं होता है। स्ट्रेस आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा होता है शीयर और तीसरा होता है वॉल्यूम। इसमें से जो वॉल्यूम स्ट्रेस है ना, वॉल्यूम स्ट्रेस, ये वाले एक्चुअली ये सब सारे स्ट्रेस है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ओके, शीयर स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस। इसमें से जो वॉल्यूम स्ट्रेस है उसको हम लोग प्रेशर बोल सकते हैं, बाकी सबको प्रेशर नहीं बोल सकते। ओके, सो वॉल्यूम स्ट्रेस इज अ प्रेशर। ओके, यानी जितने भी प्रेशर है वो सारे के सारे स्ट्रेस है, बट सारे के सारे स्ट्रेस प्रेशर नहीं होते, बिकॉज स्ट्रेस इसके अलावा ये दो भी होते हैं। ठीक है, शीयर स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी होते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है वो देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मीनिंग ये, इमेजिन एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस। सबसे बेस्ट वो अप्सरा का रबर इमेजिन करो, अप्सरा का या डॉम्स का, जो भी हो आपके पास। अगर इसको इस तरह से ऐसे खींचते हैं, ठीक है, स्ट्रेच इट लाइक दिस, तो वो अंदर की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। ठीक है, इफ यू पुल अ रबर, ओके, इरेजर जो है अप्सरा का, या फिर वो जो बड़ा आता है ना 5 या 10 रुपए वाला, उसको अगर हम लोग खींचते तो वो अंदर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। ओके, अगर उसको कॉम्प्रेस करे तो वो बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं। और इसको कॉम्प्रेस करते हैं तो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। ऐसा सिर्फ अप्सरा के रबर में या डॉम्स के रबर में ही होता, ऐसा नहीं है। ये अगर स्टील का कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, स्टील की एक ब्रिक हो, या फिर स्टील का वही जैसे वो जो इरेजर है उसी साइज का, अगर आप स्टील का कोई ऑब्जेक्ट हो आपके पास, अगर उसको भी खींचो तो वो भी अंदर की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ओके, प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी की वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजिशन को रिटेन करने के लिए ट्राई करता है। ठीक है, तो रबर को जब कंप्रेस करेगा तो वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ खींचो तो वो अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। इन दिस पर्टिकुलर केस जो हम लोगों ने फोर्स लगाया, दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आ रहा है? ये वाला जो रबर का ये वाला जो पोर्शन होता है जो वो कवर से बाहर दिखाई देता है, ये वाला और पीछे वाला, तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। ओके, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके, इट इज, ये वाले केस में क्या होता है, इट इज द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन यानी ये वाला जो एरिया है ना, ओके, अप्सरा का रबर उसके कवर में रख दो, फिर जो पोर्शन दिखाई देता है ना बाहर से, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और उसी क्रॉस सेक्शन से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं दोनों तरफ।
और यहाँ पे भी क्या होगा, दिस ऑल्सो इज लाइक दिस, ओके, ये वाला जो सरफेस है वहां से हम लोग अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। इस टाइप के स्ट्रेस को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जब हम लोग खींचते हैं तो उसे बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड टेंसाइल, खींचना यानी टेंसाइल, और अगर इस तरह से कंप्रेस करो उसको कंप्रेसिव बोलते हैं। तो दो टाइप के फोर्स होते हैं, टेंसाइल यानी खींचना, और दूसरा था कंप्रेसिव, लिख दिया कंप्रेसिव लिखना था, कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस और दूसरा है टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, दोनों ही स्ट्रेस है, ठीक है, खींचते हैं तो टेंसाइल, दबाते हैं तो कंप्रेसिव। शियर फोर्स की बात करते हैं, इन केस ऑफ शियर फोर्स वही अपना अप्सरा वाला रबर बैंड, और रबर बैंड रबर का वो क्यूबॉइड, उसके ऊपर हम लोग सरफेस से पैरेलल फोर्स लगाते हैं लाइक दिस, नीचे से पकड़ के रखना, या फिर नीचे से भी ऐसे भी फोर्स लगा सकते हैं, इन दैट केस उसका शेप जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होके कैसा हो जाएगा, इट विल बिकम लाइक दिस, ऐसा हो जाएगा, इरफ क्रॉस सेक्शन पहले स्क्वायर था उसके बाद ये रॉम्बस जैसा हो जाएगा लाइक दिस, ओके। ये वाला जो फोर्स होता है उसे बोलते हैं शियर फोर्स, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड शियर फोर्स। तो शियर फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, सरफेस से पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है, इस केस में क्या था, सरफेस से परपेंडिकुलर था, इस केस में कहाँ लग रहा है, सरफेस से पैरेलल, कौन सी सरफेस से पैरेलल, ये जो ऊपर वाली सरफेस है उसे पैरेलल डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। अगर आपके पास कोई बड़ी सी बुक हो, ठीक है, जैसे सपोज अ बुक, तो बुक का ना वो शेप अगर ये आगे से अगर ऊपर से ऐसे खींचते हैं तो ऐसा हो जाता है, शायद देखा हो आप लोगों ने, ओके, दैट केस आल्सो वी कैन से शियर फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। तो शियर फोर्स उसको टेंजेंशियल फोर्स भी बोलते हैं, इट आल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस बोलो या टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलो, दोनों एक ही बात है, और इस केस में इस तरह से शेप चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, पहले वो रेक्टेंगुलर दिया या फिर स्क्वायर दिखाई देता था, देन इट बिकम्स रोम्बस या फिर पैरेललोग्राम जैसा हो जाता है। थर्ड वन इज वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या होता है, हर जगह से, देखो इस केस में क्या हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर डिरेक्शन में लगा, इसमें कहाँ लगा हम लोगों ने, सरफेस से लगाया, ओके। वॉल्यूम वाले केस में क्या होता है, हर जगह से फोर्स लगाना है, कैन यू इमेजिन लाइक दिस, ये जैसे वो रबर है, ओके, इसको हर जगह से फोर्स लगाना हो, इक्वल लगाना हो, और हर जगह से परपेंडिकुलर लगाना हो, वो लोग कैसे लगाएंगे, हर एक साइड से फोर्स लगाना है, वो भी उससे परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, प्रैक्टिकली कैसे लगाएंगे इसके ऊपर, सोचो कुछ, there were two answers, press from all four sides, but अगर cuboid है तो छह side होगी, up down left right सब जगह पे लगाना है, okay, और कुछ बताओ, यानी हमको हाथ से लगाना पड़ेगा, फिर हमारा हाथ तो सब जगह पे uniform जाएगा नहीं। अगर मान लो चलो ये तो ठीक है, चलो इसको हम लोग ऊपर नीचे से सब जगह से फोर्स लगा भी सकते हैं, बट वॉट इफ द ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, ऑब्जेक्ट ऐसा ना हो, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे शेप का हो लाइक दिस, ऐसे कोई शेप का है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे हर जगह से फोर्स लगाना है वो भी परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट के ऊपर हर जगह से फोर्स लगाना है वो भी परपेंडिकुलर, बताओ कैसे लगाएंगे, इमेजिन अ स्टोन और समथिंग लाइक दैट, कंप्रेस इट, बट कहां से कंप्रेस करेंगे, तो हर जगह से एग्जैक्ट परपेंडिकुलर, ये जो छोटे छोटे ग्रूव्स जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ग्रूव से भी ऐसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। सो प्रैक्टिकली हम हमारे हाथों से तो फोर्स नहीं लगा सकते,
ये फोर्स ऑलरेडी लग रहा है, याद रहे, सही है, कौन लगा रहा है अभी ये बताओ तो, फोर्स ऑलरेडी लग रहा होगा, कौन लगा रहा है जी? नहीं यार, ग्रेविटी तो एग्जैक्टली नीचे की डिरेक्शन में लग रहा है, और वो सरफेस से परपेंडिकुलर कैसे हुआ? ग्रेविटी यहाँ पे लग रहा है लाइक दिस, हर एक जगह से, तो सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं हुआ ना, देखो ग्रूव से ऐसा हुआ, ये ग्रेविटी का डायरेक्शन ऐसा होगा सब जगह से, इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस एवरीवेयर। फोर्स इक्वल भी तो लगना ही चाहिए, बट वो सरफेस से परपेंडिकुलर डिरेक्शन में ही लगना चाहिए। सोचो, दिमाग को दौड़ाओ। यस, एयर फोर्स लगा रहे हैं आद्रा एंड वेरिशा, सही है, एयर फोर्स लगा रहे हैं, बट उससे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, जैसे एयर ऑलरेडी ड्यू टू एटमोस्फेरिक प्रेशर फोर्स लगा रहे हैं, ओके, एटमोस्फेयर का जो प्रेशर है उसके ऊपर ऑलरेडी लग रहा है, बट उससे भी ज्यादा अगर प्रेशर मुझे लगाना हो तो मैं कैसे लगाऊंगा, कैसे फोर्स लगाऊंगा इसके ऊपर? अभी मैं आंसर बता ही देता हूं। करना क्या है, इसको पकड़ना है, ये स्टोन वोन या जो भी हो, पानी के अंदर डाल दो, ओके, इफ यू डिप एनीथिंग इनसाइड वाटर, तो जैसे एटमोस्फियर फोर्स लगा रहे हैं हर एक साइड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वैसे ही वाटर भी हर एक साइड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो हर जगह से फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं कि लॉन्गिट्यूडनल है या फिर शियर है या फिर टेंजेंशियल, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता रहेगा, एज अ रिजल्ट इसे बोलते हैं प्रेशर, हर साइड से लग रहा है इसलिए, और वाटर के अंदर डालने से ऐसा हो सकता है, इसलिए इसको कभी कभी हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ओके। तो स्ट्रेस याद रखना, स्ट्रेस क्या होता है कि जैसे ये वाले केस में ये ऐसा कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डाल दे तो वो ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, बाहर की तरफ जो फोर्स लगाता है दैट इज द दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ओके। इस केस में ऐसे वाले स्ट्रेस को बोलते हैं टेंजेंशियल, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल, ओके। तो ये था स्ट्रेस के बारे में। दूसरा होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन से क्या पता चलता है, ऑर्डर ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी ऑब्जेक्ट कितना डिफॉर्म हो गया, डिफॉर्म यानी उसका शेप साइज या जो भी चेंज हो रहा हो, वॉल्यूम वॉल्यूम वगैरह सब, वो कितना चेंज हो रहा है वो अगर फाइंड करना हो देन वी कैन फाइंड आउट इट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन। और ये जो स्ट्रेन है वो तीन टाइप के होते हैं, वही लॉन्गिट्यूडनल, शियर और वॉल्यूम। अब लिखते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडल को नॉर्मल भी बोलते हैं, दूसरा होता है शियर, शियर को टेंजेंशियल भी बोलते हैं, और तीसरा होता है वॉल्यूम, इसको हाइड्रोलिक भी बोलते हैं, या कभी कभी बल्क भी बोलते हैं, बिकॉज इट एक्ट्स फ्रॉम ऑल द साइड्स, इसको बल्क भी बोलते हैं। डिफॉर्मेशन यानी ऑर्डर ऑफ डिफॉर्मेशन मतलब, हाँ, डिफॉर्मेशन यानी ऑब्जेक्ट का शेप साइज या जो भी, फॉर्मेशन जो है उसका डिफॉर्म हो रहा है, ओके, जैसे पहले फॉर्मेशन ऐसा था, ओके, ऑब्जेक्ट जो है वो पहले इनिशियल इट वाज लाइक दिस, ओके, फिर उसका डिफॉर्मेशन हुआ यानी उसका शेप साइज या वॉल्यूम या जो भी चेंज हो रहा हो, ठीक है, जैसे ऐसा अगर हो जाता है ये डिफॉर्म हो गया ना, ओके, तो बॉडी कितना डिफॉर्म हो रहा है वो अगर फाइंड कर रहा हो वो डेटा हमको मिल सकता है स्ट्रेन से, ओके। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे इनिशियली ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, ऑब्जेक्ट पहले ऐसा है, जैसे ऑब्जेक्ट अगर इसको मैं टेंसाइल फोर्स दे रहा हूं, टेंसाइल यानी बाहर की तरफ लाइक दिस, तो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाएगा, डिफॉर्म यानी उसका शेप साइज या कुछ भी चेंज हो जाएगा, शेप साइज चेंज होके क्या होगा बताओ, लेंथ इंक्रीज होगी, इन दिस केस इट्स लेंथ विल इंक्रीज, और लेंथ इंक्रीज होके कुछ ऐसी हो जाती, ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज द इनिशियल लेंथ एल, फिर हम लोगों ने लेंथ को चेंज कर दिया, कितना हो गया एल प्लस डेल्टा एल, पहले लेंथ थी एल, उसके बाद
लेंथ चेंज हो गई, बिकम्स एल प्लस डेल्टा एल. तो कितना डिफॉर्म हुआ, कितना परसेंटेज डिफॉर्म हुआ, वो फाइंड करने के लिए वी आर डिफाइनिंग अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड स्ट्रेन, जिसका सिंबल है एप्सिलॉन. और ये एप्सिलॉन क्या होता है, इट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ओके, अगर मान लो चेंज इन लेंथ ज्यादा हो रही है तो समझ लेना कि एप्सिलॉन ज्यादा है, यानी डिफॉर्मेशन ज्यादा है, यानी ऑब्जेक्ट ज्यादा ही शेप चेंज कर रहा है. ओके, सो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेन. अब इमेजिन करो ऑब्जेक्ट की लेंथ हम लोग चेंज करके इसको कंप्रेस कर देते, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स इज एक्टिंग, तो भी फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द चेंज एंड नॉट द फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू. तो हमारा जो चेंज हो रहा है उसके ऊपर ही फोकस करना है, 5 सेंटीमीटर प्लस हो या फिर 5 सेंटीमीटर माइनस हो, फॉर्मूला यही रहेगा. दूसरा है शीयर. देखो लॉन्गिट्यूडल के केस में क्या चेंज होता है, लेंथ चेंजेस, यहाँ पे लेंथ चेंज होती है. ओके, शीयर वाले केस में क्या चेंज होगा, शेप. शेप कैसे चेंज हुआ, ये वाला डायग्राम, ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले इनिशियली इट वाज लाइक दिस, ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो वाला पोर्शन ऐसा था. ओके, उसके बाद उसका शेप चेंज हो गया. क्यों चेंज हो गया, बिकॉज हम लोगों ने टेंजेंशियल फोर्स लगाया सरफेस से पैरेलल डायरेक्शन में लाइक दिस. ओके, ऐसा फोर्स देने से उसका शेप चेंज हो गया. अगर शेप चेंज हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू जो ना इस एंगल विल बी थीटा, ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करते हैं. और ये वाला जो एंगल होगा वही बताएगा कि ये टेंजेंशियल फोर्स कितना लग रहा है. इमेजिन अगर टेंजेंशियल फोर्स ज्यादा लग रहा हो, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो शेप जो है वो ये जो है उससे और भी ज्यादा ऐसा हो जाएगा. In that case, theta will be greater. तो जितना थीटा ज्यादा होगा उतना ही उसके ऊपर शीयर स्ट्रेस ज्यादा लगा है और उसका उसका डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा. तो इस केस में एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू थीटा. और थीटा कैसे फाइंड करते हैं, इतना सा डिस्टेंस उसे बोलते हैं एक्स, इतना सा डिस्टेंस उसे बोलते हैं एच. अब ये जो डिस्टेंस है ना उसको निग्लेक्ट करना है. कौन सा फोर्स ज्यादा लगेगा, एक ही फोर्स लगता है इसके अंदर, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंट की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. ओके, यानी सरफेस से पैरेलल, लाइक वो मैच स्टिक को हम लोग रब करते हैं ना सरफेस के ऊपर, जिससे ये आप लोग भी करते हो ना, जैसे बुक के ऊपर अगर आप लोग पेन से लिख रहे हो एकदम फास्ट लिखने जाओ तो वो जो पेपर है वो फट जाता है, ठीक है, उसका रीजन क्या है, बिकॉज आप लोग टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो. ओके, तो थीटा का फॉर्मूला है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू एक्स और एच, इन दोनों का रेशियो. थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स बाय एच. जितना एक्स ज्यादा होगा, एक्स जितना ज्यादा उतना ही एप्सिलॉन है, उतना ही डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा. तो थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एच, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, दिस इज फॉर शीयर या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन. वॉल्यूम में तो बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाल दिया तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा उसका. मान लो पहले ये स्फीयर था, ओके, इसको हम लोगों ने पानी के अंदर रख दिया लाइक दिस, एज अ रिजल्ट इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. और डिक्रीज होने के बाद वी कैन राइट एप्सिलॉन इज इक्वल टू, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, ई पी एस आई एल ओ एन, एप्सिलॉन. यस, एप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. जितना वॉल्यूम चेंज ज्यादा चेंज होगा उतना ही एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा होगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्ट्रेन. तो वापस से रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों, ये अभी कुछ लिखना नहीं है तुम लोगों को, ट्राई करो कि दिमाग में जाए. ये टेबल करा रहा हूँ, टेबल ही इंपॉर्टेंट है. देखेंगे स्ट्रेस, यहां पे लिख रहा हूं मैं स्ट्रेस
स्ट्रेन और लास्ट में होगा मॉड्यूलस। लास्ट में है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस अभी मैंने नहीं पढ़ा है, इसलिए नहीं पढ़ा है बिकॉज स्ट्रेस और स्ट्रेन समझ में आए तो मॉड्यूलस बहुत ही इजी है। मॉड्यूलस कुछ नहीं, और इन दोनों का रेशियो है, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ले लो, यू विल गेट मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस इसी टेबल में साथ में ही कराऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेस। कौन कौन से स्ट्रेस होते हैं? वी हैव नॉर्मल स्ट्रेस, इसे लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं, नॉर्मल या फिर लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा होता है शियर, टेंजेंशियल भी बोलते हैं। ऊपर टेंजेंशियल, और तीसरा होता है वॉल्यूम, जिसे बल्क बोलते हैं और हाइड्रोलिक भी बोलते हैं। बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को इंडिकेट किया जाता है सिग्मा एन से, ठीक। स्ट्रेस का ओवरऑल सिंबल है सिग्मा, याद रखना, स्ट्रेस का ओवरऑल सिंबल है सिग्मा। अगर नॉर्मल है तो उसे इंडिकेट किया जाता है सिग्मा एन से, सिग्मा एन, और ये क्या होता है, इट इज एफ एन बाय ए। एफ एन क्या, इट इज अ नॉर्मल फोर्स। और ए तो एरिया है, ठीक है, एरिया। अब ये कौन सा सरफेस होगा, कौन सा एरिया होगा, उसके लिए मैं डायग्राम बता देता हूं। जैसे ये वाला डायग्राम, ओके, इसके अंदर ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो लेना है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लाइक दिस से फोर्स लग रहा है और यहां से ऐसे फोर्स लग रहा है। ये फोर्स को बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, और जो एरिया है वो मैंने शेड किया हुआ है ब्लू कलर वाला, वो वाला एरिया होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इस केस में जो फोर्स लगाया हुआ है उसे बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। दूसरा है स्ट्रेन। स्ट्रेन का जनरल सिंबल है एप्सिलॉन, सिंबल इज एप्सिलॉन। स्ट्रेन अगर नॉर्मल हो तो इंडिकेट किया जाता है एप्सिलॉन एन से, इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल क्या होता है, इट इज चेंज इन लेंथ, और एल तो है ओरिजिनल लेंथ। ओके, एल इज ओरिजिनल लेंथ। अभी इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। इफ यू टेक द रेशियो ऑफ दिस टू तो उसे बोलते हैं मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस का नाम भी दिया हुआ है। अगर नॉर्मल वाला मॉड्यूलस हो तो वो फाइंड किया था यंग ने, तो बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। इसका सिंबल है y, और क्या होता है ये, y इज इक्वल टू ऊपर वाले जो दिए हुए उसका रेशियो, यानी दिस बाय दिस, ओके, इट इज सिग्मा एन बाय एप्सिलॉन एन। अगर डेफिनेशन में बोले तो आपको ये लिखना है, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन। समझ में आ रहा है, यंग मॉड्यूलस यानी क्या होगा, इसका और इसका रेशियो, और ये है क्या, इट इज नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन, उन दोनों का रेशियो अगर ले ले तो उसे बोलते हैं यंग मॉड्यूलस। तो डेफिनेशन या शॉर्ट वर्ड में आपको वो काम आएगा। फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एन यानी क्या होता है, इट इज एफ एन बाय ए। एप्सिलॉन एन यानी क्या, इट इज डेल्टा एल बाय एल। तो ये फॉर्मूला बन गया यंग्स मॉडुलस का।
ठीक है, एफ एंड एल बाय ए डेल्टा एल, ये फॉर्मूला यंग मॉड्यूलस। प्रैक्टिकली अगर यंग मॉड्यूलस फाइंड करना हो कैसे किया जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, अभी सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूँ, बताऊंगा प्रैक्टिकली उसका एपरेटस कैसे सेट होता है। अभी के लिए याद रखना एफ जो है इट इज इक्वल टू एम जी एल, और एरिया ऑफ वायर होता है पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। ओके, सो दिस इज यंग्स मॉड्यूलस। इसमें किसी को डाउट है कुछ नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन या मॉड्यूलस में, थोड़ा भी डाउट हो तो भी बता दो। शियर स्ट्रेस इज इंडिकेटेड सिग्मा टी, टेंजेंशियल इसलिए सिग्मा टी इज इक्वल टू एफ टी बाय ए। एफ टी को बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स, और ए होता है एरिया, ठीक है, जिसपे ये फोर्स लग रहा है। डायग्राम ऐसा होगा इसका, इनिशियली ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, बट उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं लाइक दिस। अगर ऐसे फोर्स लगा देते ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसका शेप पहले जो हमको ऐसा दिखाई देता था लाइक रेक्टेंगल या स्क्वायर, वो बन जाएगी काजू कतरी के जैसा शेप, पैरेललोग्राम या फिर रॉम्बस। This angle is theta. ये वैल्यू है x और इसे हाइट बोलते हैं h। इतना सा डिस्टेंस जो है इसको निगलेक्ट करना है, ठीक है, we have to neglect this distance. ये distance बहुत ही कम होता है, जो ब्लिंक हो रहा है उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। ओके, इंजीनियरिंग में जाओगे तब ये डिस्टेंस निगलेक्ट नहीं होगा, वो भी आप लोग अगर मान लो कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग करो तब वो वाला डिस्टेंस आएगा, बाकी तो ये डिस्टेंस निगलेक्टिंग हो जाता है। सो सिग्मा सॉरी एप्सिलॉन टी का फॉर्मूला क्या है, इट इज थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एच। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर शियर स्ट्रेन। अब देखते हैं इसका मॉड्यूलस क्या होगा, इन दोनों का रेशियो। ओके, रेशियो ऑफ दिस टू इज कॉल्ड मॉड्यूलस। कौन सा मॉड्यूलस बोलते हैं इसे, इज कॉल्ड शियर मॉड्यूलस। या फिर बोलते हैं उसे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। शियर मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, उसका सिंबल है ईटा, ये एन करके फिर ऐसा कर दे, उसे बोलते हैं ईटा आई टी ए। ईटा किसका रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ सिग्मा टी एंड एप्सिलॉन टी। थियरी में अगर आए तो आपको पूरा लिखना है, शियर मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। ओके, उसके बाद फिर आपको ये फॉर्मूला लिखना है जो मैंने लिखा हुआ है। क्या होगा इसके बाद, दिस विल बी सिग्मा टी, क्या इट इज एफ टी बाय ए, और एप्सिलॉन टी क्या इट इज थीटा। तो ये बोल सकते हैं फॉर्मूला, या फिर ऐसा भी हो सकता है थीटा इज इक्वल टू एफ टी एच by ax is also is the formula of shear modulus. Okay, इसमें और कुछ नहीं है। आगे है bulk modulus, इसमें कुछ doubt हो तो बताओ, shear या फिर tangential में bulk modulus। symbol है इसका sigma v इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब ये फोर्स कहाँ से लगेगा, तो सब जगह से लगेगा। अगर सब जगह से फोर्स लग रहा हो तो उसे बोल सकते हैं पी यानी प्रेशर। तो वॉल्यूम स्ट्रेस या फिर बल्क स्ट्रेस या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस को प्रेशर बोल सकते हैं, बाकी सबको नहीं बोल सकते। इसमें होता क्या है, देयर इज एन ऑब्जेक्ट, मैंने तो बहुत ही जबरदस्त शेप बनाया था,
कोई भी शेप का, ऐसा जरूरी नहीं कि भाई राउंड ही हो, एनी शेप का कोई ऑब्जेक्ट, उसको पानी के अंदर रख दे तो हर जगह से फोर्स लगेगा एंड एज अ रिजल्ट उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. सो वी हैव एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. इसे बोलते हैं बल्क स्ट्रेस, सॉरी बल्क स्ट्रेन या फिर वॉल्यूम स्ट्रेन. इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस. और फिर बल्क मॉड्यूलस ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते. बल्क मॉड्यूलस का सिंबल है बी और बी क्या होता है, इट इज इन दोनों का रेशियो. सिग्मा बी और एप्सिलॉन बी इन दोनों का रेशियो, उसे बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस. तो फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी एफ बाय ए. पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, सिग्मा वी बाय एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू एफ बाय ए देन डेल्टा वी बाय वी, या फिर बोल सकते हैं पी वी बाय डेल्टा वी. दिस इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस. बल्क मॉड्यूलस का उल्टा कर दो तो उसे एक और फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी. यहाँ पे एक और शॉर्ट नोट लिख रहा हूं छोटी सी, कंप्रेसिबिलिटी. सिंबल है उसका के. कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज के इज इक्वल टू वन बाय बी. इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, यानी के इज इक्वल टू वन बाय बी. उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिकम डेल्टा वी बाय पी वी. कैसा है, इसका उल्टा करके लिख लो. ओके, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी बाय पी वी. अभी खत्म नहीं हुआ है, सबके यूनिट लिखने. बताओ स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस. फोर्स अपॉन एरिया है और कुछ नहीं है, बोलो. फोर्स अपॉन एरिया को क्या बोलते हैं, सोचो. फोर्स अपॉन एरिया यानी पास्कल, सही है. सिर्फ आदरी आंसर दे रहा है, बाकी लोग आंसर ही नहीं दे रहे. स्ट्रेस यानी क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे पास्कल भी बोलते हैं, पीए. ओके, दीज आर द यूनिट ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेन का क्या यूनिट होगा, ये तो सबसे इजी वाला है. What is a unit of strain? Meter is the wrong answer. Socho. Socho, kya unit hoga strain ka? Isse pehla wala hai change in length upon original length. Dusra wala hai x by h. एम वाई यू, ऐसा कौन सा यूनिट है. सोचो, चलो चेंज इन लेंथ का यूनिट क्या होता है ये बताओ. इफ यू टेक स्ट्रेन टू बी डेल्टा एल बाय एल, स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है. इसका यूनिट क्या होता है, मीटर. इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर. ये कट हो गया तो क्या होगा, इट विल बी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. समझ में आ रहा है, एप्सिलॉन जो है वो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होगा, बिकॉज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का कोई यूनिट नहीं होता है. वैसे ही एप्सिलॉन इज एक्स बाय एच, एक्स यानी डिस्टेंस, एच यानी हाइट. डिस्टेंस अपॉन हाइट या फिर डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस करो, यू विल गेट अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी. वैसे ही एप्सिलॉन है डेल्टा वी बाय वी ऑल्सो, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. तो चेंज इन वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में, ओरिजिनल वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में,
सब कुछ कैंसिल हो गया, आंसर विल बी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो याद रखना स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, ओके, स्ट्रेन इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यस, तो स्ट्रेन इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। मॉड्यूलस का क्या यूनिट आएगा? बोलो, मॉड्यूलस इज अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मॉड्यूलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सेम एज स्ट्रेस, सही है, विल बी सेम एज स्ट्रेस ठीक है, स्ट्रेस का जो होगा वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। तो मॉड्यूलस के ये यूनिट होंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला भी अभी बाकी है, बताओ स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो विद प्रेशर, याद आ रहा है किसी को डायमेंशनल फॉर्मूला? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो वही जो प्रेशर का होता है, इट इज एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। स्ट्रेस का, स्ट्रेन का तो डायमेंशनलेस मैंने लिख दिया है, और मॉड्यूलस का भी वही होगा जो स्ट्रेस का होता है, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। ओके, सो ये टेबल इंपॉर्टेंट कैसे होगा? देखो ये जो टेबल मैंने बनाया हुआ है, इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ शॉर्ट नोट्स आ जाती है, ठीक है। 10 शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक साथ याद रखनी हो तो ये टेबल से आप लोग कर सकते हो। जैसे एट फर्स्ट अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस का शॉर्ट नोट पूछे, नॉर्मल स्ट्रेस, तो आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। उसमें क्या लिखा हुआ है? एफ एन बाय ए, तो शॉर्ट नोट में आपको फीलर लाइंस तो आपको आनी चाहिए। नॉर्मल स्ट्रेस इज गिवन, सॉरी, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल फोर्स टू द एरिया। नॉर्मल फोर्स और एरिया, इन दोनों का रेशियो, उसे बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इन दिस केस द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, क्या चेंज होगा यहाँ पे? लेंथ चेंज होगा। फिर उसके दो टाइप बताने, कौन सा? एक तो टेंसाइल वाला बताने, टेंसाइल यानी ऐसा खींचता हुआ बता दो, और दूसरा बता देना कॉम्प्रेसिव वाला, जिसमें ये जो बाहर की तरफ फोर्स है उसकी जगह अंदर की तरफ बता दो। फिर उसका यूनिट लिखो और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। दो मार्क की शॉर्ट नोट खत्म। ओके, तो दो मार्क की शॉर्ट नोट में क्या क्या करना है फिर से बता देता हूँ। इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, गिवन बाय द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखना है, सिग्मा एन इज इक्वल टू एफ एन बाय ए, वेयर एफ एन इज नॉर्मल फोर्स, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर इन दिस केस द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट विल चेंज, फिर ये बता देना, ऐसा लग रहा हो तो उसे बोलते हैं टेंसाइल फोर्स, अंदर की तरफ लग रहा हो तो उसे बोलते हैं कॉम्प्रेसिव फोर्स, सॉरी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। फिर इसके यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देना है, तो दो मार्क की शॉर्ट नोट ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। ओके, ऐसे कोई भी शॉर्ट नोट, जैसे अगर आपको पूछ ले कि व्हाट इज, राइट अ नोट ऑन शियर मॉड्यूलस, ठीक है, शियर मॉड्यूलस की शॉर्ट नोट पूछ ले, तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे? शियर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सिग्मा टी, क्या है? इट इज शियर स्ट्रेस, सॉरी टेंजेंशियल स्ट्रेस, और ये क्या है? टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो शियर मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द टेंजेंशियल स्ट्रेन गिवन बाय द फॉर्मूला, फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है। ओके, फिर ये भी लिखना है, इसमें क्या चेंज हो रहा है वो भी आपको लिखना है, क्या चेंज होता है इस केस में? ओनली शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, जैसे इसमें लेंथ लिखा, इसमें आएगा शेप चेंज होगा, इस केस में शेप चेंज होगा। फिर यहां तक आपको फॉर्मूला लिखना है, देन यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला, मैं इसलिए लिख रहा हूं यहाँ पे यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला, जो सबके लिए काम आने वाला है, ठीक है, कोई भी टाइप का मॉड्यूलस हो, ये यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको शियर मॉड्यूलस का भी शॉर्ट नोट लिखना हो तो लिख सकते हैं।
हाँ, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मैं बोल नहीं सकते, कुछ भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये वाला, यंग मॉड्यूलस ज्यादा पूछते हैं और कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा पूछते हैं। बिकॉज यंग मॉड्यूलस में एक डायग्राम भी है जो मैं अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद। कंप्रेसिबिलिटी लोग बहुत ही कम पढ़ते हैं इसलिए पूछ लेते हैं, कुछ रीजन नहीं। तो कोई भी शॉर्ट नोट इसे, जैसे चलो मैंने यहाँ पे इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है, क्या इट इज, कौन सा स्ट्रेन, इट इज वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन को कैसे शॉर्ट नोट लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, यू कैन से दैट वॉल्यूम स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। फिर ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, पहले वॉल्यूम वी बताओ, फिर वॉल्यूम कंप्रेस होता हुआ बता दो, फिर सब जगह से ऐसे फोर्स बता देना है। ओके, दो डायग्राम बनाने याद रखना, पहले वाले में फोर्स नहीं लगना चाहिए, दूसरे वाले में पानी के अंदर डालने के बाद फोर्स लग रहा है ऐसा बता दो, देन इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, बात खत्म। ओके, ऐसे सारी की सारी शॉर्ट नोट्स आपको याद रखनी। कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट क्या होगा बताओ, अगर मान लो कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाती है, व्हाट इज इट्स यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। जो बल्क मॉड्यूलस के लिए आया था उससे एग्जैक्टली उल्टा कर देना है। ओके, बल्क मॉड्यूलस के लिए, जो मॉड्यूलस के लिए जो भी दिख रहा है ना, उन सबका उल्टा कर देना है यूनिट। ओके, तो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर डैंग या फिर पास्कल इनवर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ये जो लिखा हुआ है उसका उल्टा, एम माइनस वन एल वन टी टू। ओके, सो ये लिखने के लिए मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूं, ठीक है, 5 मिनट्स में पूरा टेबल लिखो, फिर मुझे कैमरे में आप लोग बताओगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यंग्स मॉड्यूलस, शॉर्ट नोट में ऐसा होगा, विद इन इलास्टिक लिमिट, सुना ध्यान से, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा। जितना स्ट्रेस बढ़ता है उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा। स्ट्रेस यानी क्या, फोर्स अपॉन एरिया, दिमाग में ये रखना, फोर्स अपॉन एरिया यानी फोर्स जितना बढ़ेगा उतना ही चेंज इन लेंथ ज्यादा होगी। ओके, सो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, सो इफ वी कैन राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, इफ यू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन वी हैव टू कीप अ कांस्टेंट, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है y into epsilon, इस y is called Young's modulus। So y is defined as y is equal to sigma by epsilon, that is f by a delta l by l, यानी l ऊपर चला जाएगा। This is the formula of Young's modulus, इसका unit and dimensional formula तो लिखे, उससे पहले डायग्राम भी बनाना है कि प्रैक्टिकली वो कैसे फाइंड होता है। तो प्रैक्टिकली फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यू टू टेक अ वायर, जैसे मान लो फाइंड करना है यंग मॉड्यूलस ऑफ अ स्टील, ओके, स्टील का यंग मॉड्यूलस फाइंड करना है, और क्यों फाइंड करना है उसका भी रीजन है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर मेकिंग अ ब्रिज, ठीक है, आप लोग सिविल इंजीनियर हो और आपको एक ब्रिज बनाना हो, ओके, कुछ लोग सोचेंगे आपको बनना ही नहीं है, तो अगर इवन इफ यू आर इन अ बी ग्रुप देन ऑल्सो यंग मॉड्यूलस बहुत काम का है, बिकॉज बोन्स का भी कुछ यंग मॉड्यूलस होता है। ओके, और वो यंग मॉड्यूलस डॉक्टर्स को भी अच्छे से पता होता है। यस, सो इफ दिस इज अ ब्रिज, मुझे ये इंजीनियरिंग वाले एग्जांपल्स ज्यादा पता है, ये सपोज अ ब्रिज, ओके, तो ब्रिज का ये जो मटेरियल ऊपर हम लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है, दिस वन, इसके यंग मॉड्यूलस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। इफ दिस इट्स यंग मॉड्यूलस इज वेरी वेरी हाई, बहुत ज्यादा यंग मॉड्यूलस हो इस स्पान का या फिर ये ब्रिज का, इन दैट केस उसका डिफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा, सॉरी डिफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। यंग्स मॉड्यूलस जितना ज्यादा, देखो यंग मॉड्यूलस जितना ज्यादा हो उतना ही डिफॉर्मेशन बहुत ही कम होगा, वो ब्रिज ना एकदम स्टिफ रहेगा, ठीक है, बिल्कुल भी उसकी चेंज इन लेंथ नहीं होगी। इनकेस अगर मान लो अर्थक्वेक जैसी कोई चीज आ जाती है तो ये जो ब्रिज है ना वो पूरा टूट जाएगा, लाइक वो ग्लास कैसे टूटता है छोटे छोटे पीसेस में, वैसे छोटे छोटे पीसेस में ये टूट जाएगा। और अगर
यंग मॉड्यूलस बहुत ही कम रखा हो, ठीक है, यंग मॉड्यूलस इज वेरी वेरी लो, दैट मीन्स चेंज इन लेंथ ज्यादा होगी. ऐसा हो सकता है कि यहाँ से जब बस जा रही हो, ओके, बस इज पासिंग, तो ये ब्रिज पूरा ऐसा हो जाए, ठीक है. अगर यंग मॉड्यूलस बहुत ही कम हो तो ब्रिज की हालत ऐसी हो जाएगी जब बस उसके ऊपर से पास हो रही हो, ओके, उसकी चेंज इन लेंथ बहुत ही ज्यादा हो जाएगी. तो यंग मॉड्यूलस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये ब्रिज के लिए. तो मैंने बता ही दिया, इफ यू आर गोइंग फॉर मैकेनिकल इंजीनियर तो भी आपको ये सब याद रखना पड़ता है. जैसे कोई कार है, कार के अंदर बैठो और अगर मान लो स्टील का यंग मॉड्यूलस बहुत ही ज्यादा हो तो कार का शेप ही नीचे से ऐसा हो जाएगा, ओके. सो सब चीजों में यंग मॉड्यूलस काम आता है. इवन फॉर बी ग्रुप स्टूडेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो बोन्स होते हैं वो एकदम सॉफ्ट होते हैं, ओके, सो उनका यंग मॉड्यूलस बहुत ही कम होता है. सो फॉर किड्स यंग मॉड्यूलस बहुत ही कम होता है, एज ए रिजल्ट उनकी बोन्स में स्लेंडरनेस ज्यादा होती है, उनका चेंज इन लेंथ बहुत ही ज्यादा होता है. एज ए रिजल्ट वो जो छोटे बच्चे जब गिर जाते हैं उनको फ्रैक्चर नहीं होता है, बट जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है वैसे वैसे हमारे बोन्स का यंग मॉड्यूलस बढ़ता जाता है. यंग मॉड्यूलस बढ़ेगा तो क्या होगा, रिजिडिटी बढ़ेगी, और रिजिडिटी बढ़ने से एकदम स्ट्रांग तो रहेगा ही, बट होगा ये कि अगर गलती से कहीं पे गिर गए तो जैसे ग्लास क्रैक हो जाता है वैसे हमारे बोन्स क्रैक हो जाते हैं. इसलिए जो एल्डर पर्सन होते हैं उनको फ्रैक्चर बहुत जल्दी से हो जाता है. ऐसे बहुत सारे यूजेस है यंग्स मॉड्यूलस के. तो यंग मॉड्यूलस मान लो ये ब्रिज आपको बनाना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील जो यूज होने वाला है उसके लिए, तो करना क्या, वो जो स्टील यूज करने वाले हैं उसका एक वायर ले लो, लाइक दिस इज अ वायर ऑफ दैट स्टील, दिस इज स्टील वायर, उसकी लेंथ फाइंड कर दो. देखो यंग मॉड्यूलस फाइंड करना हमारा टारगेट क्या है, वो टारगेट इज टू फाइंड आउट यंग्स मॉड्यूलस, ओके. ये वाले फॉर्मुला में सारी वैल्यूज रखनी. तो यंग मॉड्यूलस करने के लिए सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा लेंथ, ओके. ओरिजिनल लेंथ तो हम लोग स्केल से मेजर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वी कैन फाइंड आउट द लेंथ. फिर फाइंड करें उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया यानी ये जो है ना थिकनेस बहुत ही कम दिखाई दे रही होगी, ओके, वो वाली थिकनेस फाइंड करनी. वो कैसे फाइंड करें, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. शायद आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स स्कूल में अगर आप हुए तो नहीं होंगे बट देखे होंगे शायद, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज करके इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग हमारे हेयर का डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं, ओके. तो वैसे ही ये जो वायर है ये वायर का डायमीटर फाइंड करना है, तो मिल जाएगा एरिया. चलो अगर डायमीटर फाइंड करते हो तो डायमीटर से रेडियस बनेगा, इसीलिए ए का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. ए की जगह क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर. ओरिजिनल लेंथ तो हम लोगों ने मेजर कर ही दिए. अब ये वायर के ऊपर फोर्स अगर मैं लगाता हूँ, ठीक है, ये वायर को पकड़ के, अगर मान लो इफ यू आर स्टैंडिंग हियर और वायर को आप लोग ऐसे खींच रहे हो, आपका फ्रेंड जो है कहीं और खड़ा है ऊपर और वो भी खींच रहा है, तो कैन यू एक्चुअली कैलकुलेट हाउ मच फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन इट. हाथ से ऐसे कोई भी वायर को खींचे तो लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है. प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है, चलो मैंने फोर्स ज्यादा लगाया कम लगाया ऐसा बोल सकते हैं, बट एग्जैक्टली फाइंड नहीं हो सकता. सो एज ए रिजल्ट क्या करते हैं हम लोग, इसको सस्पेंड कर देते हैं फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, ठीक है, और नीचे लगा देते हैं मास. दिस इज मास, मास इज एम. अगर एम जितना मास हो तो नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, एम जी. इसलिए यहाँ पे एफ की जगह क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा. जैसे ही मास रखेंगे तो ये वायर में थोड़ा बहुत लेंथ चेंज होगा, ठीक है, लेंथ विल चेंज बाय बिट, थोड़ा सा लेंथ चेंज होगा, और वो जो लेंथ चेंज हो रहा है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर कहाँ फिट करना है, तो एक दूसरा वायर लगाया जाता है इसके साइड में, लाइक दिस. ये वायर का कुछ काम नहीं है, इसके उसको भी टेंशन में रखा जाता है, टेंशन यानी इसके नीचे भी मास रखा होता है, ये मास कुछ भी काम का नहीं है, ठीक है, ये मास काम का नहीं, सिर्फ वायर को टाइट रखने के लिए. और इन दोनों के बीच में यहाँ पे फिट किया जाता है एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है, लाइक दिस. दोनों के बीच में माइक्रोमीटर स्क्रू गेज रख देते हैं. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, सॉरी, वर्नियर कैलिपर. यहाँ पे ऐसे मार्किंग्स होंगे छोटे छोटे, लाइक दिस, ओके. अब जैसे ये वाला मास हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, ये वाला मास जब बढ़ेगा तो यहाँ पे जो होगा ना रीडिंग्स वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है. थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इफ इट अंडरगोज एक्सटेंशन
तो ये जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। एज ए रिजल्ट हमको फाइंड कर सकते हैं चलो इसकी लेंथ जो है वो इतनी सी चेंज हुई। ओके सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द चेंज इन लेंथ। आपको एग्जाम में ये सब बताना नहीं, आपको तो सिर्फ ड्राइंग कर देना है। यहाँ पे मास बता देना, लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी मास। तो एफ हो जाएगा एम जी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगी फाइनली, तो फॉर्मूला विल बिकम लाइक दिस, वाई इज इक्वल टू एम जी एल पाई पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। अब समझ में आया ये फॉर्मूला मैंने पहले लिखा था। जैक ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द यंग मॉड्यूलस ऑफ अ गिवन मटेरियल। अब ये वायर के लिए जो हम लोगों ने फाइंड कर दिया, वो वायर हो या फिर स्टील की बड़ी बड़ी शीट हो या फिर एक बहुत ही एकदम थिक रॉड हो, सबके लिए यंग मॉड्यूलस यही रहेगा। ओके तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ था एम जी एल बाय पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, ठीक है दिस इज फ्रॉम दिस अरेंजमेंट। ठीक है ऐसे अरेंजमेंट करें तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला ये भी मिलेगा। अब इसके अलावा मसाला डालना है, मसाला क्या है हमारे पास, इसका यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसी चीज है ना जो किसी में भी रख सकते, कोई भी शॉर्ट नोट हो आपको अगर उसका यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला पता हो तो दो और पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो ये था यंग मॉड्यूलस, लिख लो ये। इलास्टिक लिमिट यानी इमेजिन एक स्प्रिंग, ठीक है सपोज अ स्प्रिंग, वो कौन सी पेन आती है भूल गया नाम उसका, टिक टैक या पता नहीं कौन सी है, इजी क्लिक, कोई भी पेन चलती है उसमें वो ऐसा स्प्रिंग आता है पेन के अंदर। इस स्प्रिंग को अगर लोग स्ट्रेच करते हैं, ठीक है फिर स्ट्रेच दिस स्प्रिंग और उसको छोड़ दे तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है तो स्ट्रेच करना है और छोड़ना है, स्ट्रेच करके छोड़ दे तो वो वापस अपनी पोजीशन रिगेन कर लेता है। बट अगर इसको ज्यादा खींच लिया मैंने और इतना ज्यादा, मान इसको मैं खींचता हूँ और ज्यादा खींच लो और फिर छोड़ दो तो वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा बट यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है तो अगर ज्यादा खींच लेते हैं और फिर छोड़ देते तो वो वापस तो आएगा लेकिन जो ओरिजिनल पोजीशन थी वैसा नहीं होगा। ठीक है तो ये कंडीशन, ये ओरिजिनल था, ठीक है फिर हम लोगों ने यहाँ तक खींचा और छोड़ दिया तो वो यहाँ तक आ गया। ठीक है इट इज नॉट रिगेनिंग इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इसका मतलब ये होगा इसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया।